गरीब की सेहत का ख्याल रख उसकी तकदीर को बदल रही है आयुष्मान भारत योजना। और अब ऐसी ही एक योजना जल्द ही देश के मिडिल क्लास को भी आयुष्मान बनाएगी। ये पीएम मोदी का सपना ही नहीं है बल्कि उनका जुनून भी है कि जल्द से जल्द ये नई योजना देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग देश के मध्यम वर्ग के लिए आयुष्मान भारत जैसा नया हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सिस्टम का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो वर्तमान में लागू सभी योजनाओं से वंचित हैं। नए सिस्टम में उन लोगों को कवर किया जाएगा जो हाल ही में लॉन्च की गई आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में छोटी और लंबे वक्त वाली मिडिल क्लास के लोगों से जुड़ी स्वास्थ्य प्रणाली को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि देश की 10% आबादी जो कि अमीरों की श्रेणी में आती है अपने स्वास्थ्य पर खुद खर्च करने में सक्षम है। देश की 40% आबादी जो गरीबों की श्रेणी में आती है उसे पहले से ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 50% लोग जो कि मिडिल क्लास में आते हैं अभी भी ऐसे हैं जो किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ नहीं पाए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के मध्यम वर्ग के लोग एक अच्छे सार्वजनिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए 200 से 300 रुपए का भुगतान कर पाएंगे। इससे इस योजना को लागू करना संभव हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोशिश से देश के गरीब को तो आयुष्मान बना दिया, अब बारी है देश के मिडिल क्लास की।